गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ाऊंगी। अमीनो एसिड्स बच्चों, स्ट्रक्चर देखेंगे अमीनो एसिड्स का। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों ही उपस्थित रहते हैं, उन्हें हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल आर नोन एज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स के, है ना। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। सिंपल प्रोटीन कंटेन ओनली अमीनो एसिड्स, वाइल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हैव एडिशनल कंपोनेंट्स ऑल्सो। अब जो अमीनो एसिड वर्ड है या टर्म है, इसे किसी भी कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू रिफर टू एनी कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक फंक्शन। एक्चुअली ये जो अमीनो एसिड वो जो वर्ड है टर्म है, इसको हम अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं, जो कि हमें नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स का ये स्ट्रक्चर होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन से एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है और उसी कार्बन से एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप के नियर बाय कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसी पर दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए इसे अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। इस कार्बन के बाद एक और कार्बन होता, उस पर अमीनो ग्रुप लगा होता तो वो बीटा अमीनो एसिड होता, थर्ड कार्बन गामा एंड सो ऑन। इसमें सेम कार्बन पर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हैं, इसलिए इसको हम अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। अमीनो एसिड्स तीन तरीके के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स या आवश्यक अमीनो अम्ल, दूसरा है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स और थर्ड है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अनावश्यक अमीनो अम्ल। बच्चों आवश्यक अमीनो अम्ल वो अम्ल होते हैं या एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स which are not synthesized in the body and have to be provided in the diet. ये हमारी body में इनकी synthesis नहीं होती है और हमें इसे diets के through body को provide करना होता है। दूसरे होते हैं semi essential amino acids। ये अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जिनको बॉडी सिंथेसाइज तो करती है पर उस रिक्वायरमेंट पर नहीं करती जितनी हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए कुछ मात्रा हमें अपनी डाइट में भी लेनी पड़ती है। और थर्ड है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है और ये बॉडी अपने में ही सिंथेसाइज कर लेती है।
असेंशियल अमीनो एसिड्स संख्या में बच्चों 8 होते हैं, इनको हम इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमें लेने ही पड़ेंगे। अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और बहुत सारी डिजीजेज हो जाएंगी, जैसे नर्वस ब्रेकडाउन होना, मानसिक विकास है उसका पूरी तरीके से रुक जाना, और कंटिन्यूस डेफिशिएंसी अगर होती रहे तो जो छोटे बच्चों में इवन डेथ तक भी हो जाती है। असेंशियल अमीनो एसिड्स 8 हैं, 8 हैं, सेमी असेंशियल 2 हैं और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स संख्या में 10 होती हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं। असेंशियल अमीनो एसिड्स में फर्स्ट है वैलीन, सेकंड है ल्यूसीन, थर्ड है आइसो ल्यूसीन, फोर्थ है थ्रियोनीन, नेक्स्ट फिफ्थ मेथायोनीन, सिक्स है फिनाइल एलेनीन, नेक्स्ट है सेवेंथ ट्रिप्टोफान, और एट है लाइसीन। बच्चों इसके स्ट्रक्चर आपको बुक में से देख के लिखने होंगे, क्लास में तो मैं पूरा ही लिखवाती हूँ सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं तो मैंने नाम लिख दिए हैं। 8 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनीन, मेथायोनीन, फिनाइलएलेनीन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसीन। दूसरे तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स, ये संख्या में 2 होते हैं। हालांकि इन अमीनो एसिड्स की बहुत कम क्वांटिटी चाहिए, लेकिन उसको डाइट में लेना ही होता है। सेमी असेंशियल में है ये फर्स्ट है आर्जिनिन, और सेकंड है हिस्टिडीन, नेक्स्ट है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, या इनको हम डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इनको हम डाइट में अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी इनको सेल्स में अपने सिंथेसाइज कर लेती है। फर्स्ट है इसमें एलेनीन, नेक्स्ट है एस्पेरजीन, एलेनीन, एस्पेरजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टाइन, सिस्टीन, फिफ्थ है सिस्टीन, सिक्स है ग्लूटामिक एसिड, सेवेंथ है ग्लूटामाइन, एट है ग्लाइसीन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसीन, नेक्स्ट है 9 प्रोलीन, और 10th
एसिड है सैरी। इस तरीके से अमीनो एसिड्स तीन तरीके के हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड संख्या में 8 हैं, सेमी एसेंशियल संख्या में 2 हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड संख्या में 10 हैं। बच्चों द डेफिशिएंसी इन एनी वन ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड प्रिवेंट ग्रोथ इन यंग एनिमल्स एंड मे इवन कॉज डेथ। तो अमीनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन हमें डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, इसका क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे।